हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सम। आज मैं बनाऊंगी हॉट चॉकलेट। बच्चों से लेके बड़ों तक चॉकलेट किसको नहीं पसंद आता है। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन आता है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मैंने इधर 1.5 कप दूध लिया है। मैं आज 2 कप के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है। और इधर मैंने कुकिंग चॉकलेट लिया है, 60 से 70 ग्राम के करीब है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। ये मिल्क कॉम्पाउंड है। और 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम दालचीनी का पाउडर लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है। और इधर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये, और 1 टेबल स्पून शुगर लिया है मैंने, ये भी ऑप्शनल है। आपको कितना मीठा खाना है उसके हिसाब से ये डालना है। सबसे पहले जो कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर लिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेंगे। ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और हम जब इसको दूध में मिलाएंगे तो उधर भी लम्स नहीं बनेंगे, तो हॉट चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ होगा। इसके लिए पहले इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको मैंने स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा मिला रही हूँ। अभी इसमें करीब 6 से 7 टेबल स्पून दूध डाल के एक स्मूथ स्पेस पेस्ट जैसा बना लेंगे। ध्यान रखिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से मिला ले। और 2 टेबल स्पून दूध में ऐड कर रही हूँ, टोटल 7 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिला लेना है। इधर मैंने एक चॉकलेट का टुकड़ा लिया है और उसको एक पीलर की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा पील कर लेंगे, ताकि जो फ्लेक्स निकलेगा उससे हम लोग गार्निश करेंगे इसको। ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते हैं। अभी एक पैन लेंगे और गैस को ऑन करके इसमें दूध डाल देंगे और दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है तभी इसमें दालचीनी का पाउडर, ये बिल्कुल ही थोड़ा सा डालना है, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए। अभी इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है, इसमें मीठा होता है, फिर भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है स्वाद के हिसाब से। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं मीठा। अभी इसमें चॉकलेट ऐड करके मीडियम फ्लेम पे इसको पिघलने तक कुक करेंगे। आप इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट में जो डेयरी मिल्क का पैकेट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है इसमें, और इसको लगातार चलाते रहना है। अभी जो कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया था उसको एक बार हल्का सा मिक्स करके उसके बाद इसमें डाल के मिलाना है तुरंत, ताकि गुठलियाँ ना बने। तुरंत इसको चलाना है अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंसी आया है। ये हॉट चॉकलेट रेडी है, अभी इसको सर्व कर सकते हैं। एक कप में इसको निकाल लीजिए। और ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट की फ्लेक्स जो बनाया था ग्रेट करके उसको डाल देंगे और सर्व कर देंगे। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, सभी को पसंद आएगा। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।